हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब। आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं साउथ उड़ीसा। बहुत ही सुंदर जगह है, ब्यूटीफुल माउंटेन्स। एंड द रोड ट्रिप हम जो करने वाले हैं, इट इज़ टूअर्ड्स द सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ उड़ीसा, विच इज़ कॉल्ड एज महेंद्रगिरी। काफ़ी सुंदर जगह है। कैसा एक्सपीरियंस हमारा ओवरऑल होने वाला है, क्या हिस्ट्री इसकी रही है पास्ट, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम रोड ट्रिप का कहाँ कहाँ रुकते हैं, क्या रूट है, आप कैसे ट्रैवल कर सकते हैं, खाना वगैरह कहाँ रुक के खा सकते हैं, क्या क्या मिलता है, क्या क्या स्पेशलिटी है, ये सारा कुछ डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा इसका, तो ये दो तीन वीडियो रहेगा ओवरऑल हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड स्टे कनेक्टेड। हेलो दोस्तों, सो आज एक यूनिक ट्रैवल है हमारा महेंद्रगिरी की तरफ। कैंपिंग के लिए जा रहे हैं और ये देखिए बच्चे ऑलरेडी मूड में हैं, गुड मूड में एंजॉय करने के लिए। तो यहाँ से रहेगा 100 किलोमीटर्स। अभी हम निकलते हैं, मॉर्निंग का टाइम हो रहा है अभी अराउंड 10:40। सो लेट्स गो। तो हमने कर लिया बैक पैक, देखिए आप गाड़ी एकदम खचाखच भरा है। एंड नाउ वी हैव स्टार्टेड आवर जर्नी। तो मैं आपको बता दूं, महेंद्रगिरी घाटी कहते हैं कुछ इसको, दूसरी सबसे छोटी हाईएस्ट माउंटेन भी कहते हैं। किसी के लिए ये उड़ीसा का शिमला है, किसी के लिए ये उड़ीसा का कश्मीर है, किसी के लिए बादलों वाला पहाड़ है, किसी के लिए जड़ी बूटियों वाला पहाड़ है। सबसे खास बात है, महेंद्रगिरी जो माउंटेन है इसको लेकर कही जाती है कि इसका जिक्र रामायण में भी है और महाभारत में भी है। तो आज पर माइथोलॉजी जिन 8 देवताओं का जो अमृत तो जो प्राप्त है, तो हनुमान जैसे हो गए, अश्वत्थामा हो गए, परशुराम जैसे हो गए, तो ये यहीं पे रहते हैं। कहते हैं कि परशुराम यहीं पे रहते हैं और यहीं पे रह के तपस्या करते हैं। और लोगों ने कुछ लोगों का ये भी कहना कि उन्होंने कई बार उनको देखा भी है। दिस इज़ क्वाइट फेमस माउंटेन हियर, सेकेंड हाईएस्ट है, अराउंड 5000 फीट अबव दी सी लेवल। सो अभी हम जा रहे हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल जर्नी होने वाला है, दो तीन वीडियो रहेगा। तो सबसे नज़दीक जो टाउन है यहाँ से, इट इज़ बरमपुर। यहाँ से आपको ट्रेन से भी आप यहाँ पर तक आ सकते हैं या बस से भी आ सकते हैं। और बरमपुर से अराउंड 100 किलोमीटर्स है। तो आपको NH-16 होते हुए वहाँ से फिर आपको राइट टर्न लेना होगा कोटापल्ली, और उसके बाद से यू हैव टू टेक स्टेट हाईवे एंड कनेक्ट टू महेंद्रगिरी। तो ये गजपति डिस्ट्रिक्ट में आता है महेंद्रगिरी, और भुवनेश्वर से ये अराउंड 270 किलोमीटर के करीब पड़ता है। ये माउंटेन जो है ईस्टर्न घाट्स में पड़ता है। ईस्टर्न घाट इज बेसिकली डिसकंटिन्यूअस रेंज ऑफ माउंटेन्स अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। और ये जो ईस्टर्न घाट है, इट इज़ क्रॉसिंग थ्रू उड़ीसा, आंध्रा एंड लिटिल बिट ऑफ तमिलनाडु। ऑन द वे इट पासिस थ्रू कर्नाटक एंड तेलंगाना एज वेल। तो ईस्टर्न घाट और ये जो ईस्टर्न घाट है, इसमें से काफ़ी सारी मेजर रिवर्स ऑल्सो फ्लो करती हैं। जैसे सबसे बड़ी रिवर हो गई महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, बहुत सारे रिवर्स हैं। और जिंगड़ाबाद कोंडा जो है, ये हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट्स कहा जाता है, जो कि इससे थोड़ा बड़ा है, विच इज़ अराउंड 5500 फीट। और दिस वन इज नथिंग बट योर 5000 अराउंड फीट। सो काफ़ी इसकी हिस्ट्री रही है, ये जो महेंद्रगिरी पर्वत है। और ये ईस्टर्न घाट में जो नेशनल पार्क्स आते हैं, उसमें भितरकनिका नेशनल पार्क है, सिमिलपाल नेशनल पार्क है, और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, ये तीन नेशनल पार्क हैं। वैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज तो कई सारी हैं, ऑलमोस्ट करीबन 20 के करीब होंगे। तो दीज ऑल आर पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट एंड रिजर्व्स। में नागार्जुन सागर, सीसेलम टाइगर रिजर्व विच इज़ क्वाइट फेमस, सातकोसिया टाइगर रिजर्व एंड सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, सुनावेड़ा टाइगर रिजर्व, सो दीज आर ऑल पार्ट ऑफ ईस्टर्न। And this Eastern Ghat is home to a lot of flora and fauna. A lot of mammals, are found in this Eastern Ghat as well. बहुत सारे प्रजाति के birds भी आप यहाँ पे मिलेंगे आपको, amphibians, reptiles. So this is a very important part of India, the Eastern Ghat. Now coming back to the Mahendragiri again. So अभी हम जो route पे जा रहे हैं, बहुत ही सुंदर single road है। तो आप उसको केयरफुल रहना पड़ेगा, बट द
रोड के दोनों साइड में आप देख सकते हैं फार्मलैंड्स हैं एंड मोस्टली यहाँ पर राइस का खेती होता है. तो द सीन दैट यू सी इज़ रियली ब्यूटीफुल. और ईयर के कोई भी यू नो टाइम में आप आ सकते हैं. वेदर अच्छा रहता है जनरली महेंद्रगिरी में ऑल ईयर अराउंड. रेनी सीजन में द रोड्स आर नॉट दैट गुड सो वी हैव टू बी लिटिल केयरफुल. यहाँ पे हम यू नो एज वी आर टॉकिंग यहाँ पे हम रुके हैं, थोड़ा ब्रेकफास्ट नाश्ता वगैरह यहाँ पे कर लेंगे. देन वी विल यू नो टेक अ ब्रेक, लिटिल शॉर्ट ब्रेक एंड स्टार्ट. सो एज वी आर यू नो क्रूजिंग थ्रू, काफ़ी सुंदर रूट है आप देख सकते हैं. जनरली साउथ उड़ीसा में आप नेचुरल रिसोर्सेज और सीनिक जो ब्यूटी है वो आप क्लियरली देख सकते हैं इस तरफ अगर आप ट्रैवल करते हैं. तो साउथ उड़ीसा बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 7 to 8 डिस्ट्रिक्ट्स, मालकानगिरी, कोरापुट, नबरंगपुर, रायगढ़, गजपति एंड कलाहांडी, कंधमाल एंड वापडा. तो ये जो माउंटेन की मैं बात कर रहा हूँ इट फॉल्स अंडर यू नो गजपति डिस्ट्रिक्ट एंड रायगढ़ भी यहाँ से नज़दीक ही है. तो काफ़ी सुंदर है, बहुत सारे यू नो टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं ये डिस्ट्रिक्ट में, रायगढ़ और गजपति डिस्ट्रिक्ट में. और आप देख सकते हैं रूट कितना सुंदर रूट है. व्हीकल्स बहुत कम यहाँ पे आपको मोस्टली बाइक्स दिखेंगी, जनरली आपको खाली ही मिलेगा रोड, तो ट्रैफिक इतना ज़्यादा नहीं रहेगा. और बीच बीच में आपको छोटे छोटे ऐसे विलेजेस जैसे आप यू कैन सी आपको मिलेंगे, विच आर रियली नाइस टू सी. यू कैन स्टॉप बाय देयर विल बी स्मॉल शॉप्स, यू कैन यू नो टेक सम स्नैक्स और एनीथिंग इफ यू वांट. एंड अगेन यू कैन टेक आफ्टर अ ब्रेक यू कैन अगेन स्टार्ट थ्रू. तो जैसे देख सकते हैं अगेन अनदर 10 किलोमीटर्स और 5 किलोमीटर्स यू हैव अनदर स्मॉल विलेज टू क्रॉस. सो ये जो एक्सपीरियंस हमारा पूरा का पूरा रहा काफ़ी अच्छा रहा. ना कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको उड़ीसा के बारे में जनरली नहीं पता हो या उड़ीसा में क्या क्या टूरिस्ट प्लेसेस हैं उसके बारे में नहीं पता हो, उनके लिए मैं बता दूं पूरी जगन्नाथ जो टेंपल है क्वाइट फेमस, वर्ल्ड फेमस टेंपल है जगन्नाथ प्रभु जी का मंदिर है, दैट इज़ द फेमस वन. कोणार्क टेंपल, सन टेंपल विच इज़ प्रीटी फेमस, पूरी सी बीच यू नो इट इज़ अ फेमस अगेन जहाँ पर मंदिर भी है जगन्नाथ जी का, वहीं पर है. उदयगिरी खंडगिरी केव्स दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट फेमस. भुवनेश्वर ऑफ कोर्स कैपिटल तो क्वाइट फेमस है, लिंगराज टेम्पल वहाँ पे है आपका, नंदनकान जूलॉजिकल पार्क है वहाँ पे, और स्टेट म्यूजियम भी है. तो काफ़ी सारे चीज़ें हैं वहाँ पे आस पास आपको देखने के लिए. थोली यू नो वहाँ पे वहाँ से नज़दीक है. तो आफ्टर भुवनेश्वर अगेन आपका जो ये देखने के लिए अगेन जगह है चिलिका लेक, गोपालपुर सी बीच वहाँ पे भी काफ़ी सारा जगह है जैसे हमने अपने वीडियो में भी पहले भी कवर किया हुआ है. अगर हम साउथ साइड में आते हैं, साउथ साइड में देखने के लिए आपका दारिंगबाड़ी हो गया काफ़ी फेमस है, तप्त पानी, मलकानगिरी में काफ़ी सारे जगह हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, देवमाली जो पर्वत है दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट फेमस, वहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग जाते हैं. बरहमपुर यू नो डिस्ट्रिक्ट में टाउन जो है वहाँ पे भी आपको यू नो काफ़ी फेमस है. एज वी आर टॉकिंग वी हैव टेकन अ ब्रेक, स्मॉल ब्रेक हियर. बहुत ही अच्छा जगह है, बहुत सुंदर जगह लगा हमको यहाँ पे. तो वी टुक अ स्मॉल ब्रेक हियर. यहाँ पे एक स्कूल है आप देख सकते हैं, ये माउंटेन के जस्ट नीचे ही है, काफ़ी सुंदर गवर्नमेंट का स्कूल है. आप देख सकते हैं कितना सुंदर जगह है. तो हम अभी यहाँ पे रुके हैं, थोड़ा ब्रेक लेंगे. वी सॉ फ्यू यू नो पपीज रोमिंग हियर. सो आप देख सकते हैं माउंटेन ऑन द बैकग्राउंड एंड यू हैव द फार्म लैंड्स, बहुत ही सुंदर नज़ारा है. तो सी यू कैन जस्ट यू नो सिट हियर फॉर सम टाइम एंड यू विल नॉट इवन रियलाइज, हम लोगों को पता ही नहीं चला यहाँ पे कैसे हाफ एन आवर और 1 आवर हमने क्रॉस कर लिया. तो यहाँ पे हम रुके काफ़ी टाइम, थोड़ा देर तक. अभी जस्ट माउंटेन से पहले महेंद्र की जो माउंटेन है उससे पहले एक लास्ट विलेज है वहाँ पर हम रुके हैं ऐसे थोड़ा ब्रेक के लिए. आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है, मैं शेयर करूँगा क्लिप कैमरा टर्न करके. सो आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम देयर अगेन वी हैव स्टार्टेड. सो यहाँ से करीब 30-40 किलोमीटर रहेगा
और थोड़ी देर बाद वील हैव लास्ट विलेज ऑफ बिफोर वी स्टार्ट द घाटी सेक्शन. उसके बाद देन यू नो वील रीच महेंद्रगिरी. तो यहाँ पे हम देखिए कोई होटल वगैरह नहीं है, इट स्टिल अनएक्सप्लोर्ड एंड गवर्नमेंट हैज नॉट डन मच हियर यू नो फॉर द टूरिज्म येट. तो लोग जनरली यहाँ पे आते हैं, कैंपिंग वगैरह करते हैं, टेंट वगैरह लगाते हैं, टाइम स्पेंड करके जाते हैं वहाँ पे. पर से जैसे दूसरी जगह में आप देखते हैं माउंट होटल्स वगैरह हैं या गवर्नमेंट के भी यू नो कुछ कुछ स्टेज हैं, जहाँ पर वैसा कुछ नहीं है. सो हम भी वही करने के प्लान में हैं, मोस्टली वी विल हैव अ कैंपिंग काइंड ऑफ अ थिंग. सो दोस्तों हमने अभी एक ब्रेक लिया और वी बॉट सम स्नैक्स एंड सम ड्रिंक्स और अभी घाट सेक्शन यहाँ के बाद स्टार्ट हो जाएगा. तो चलते हैं, मैं कैंप व्यू काफ़ी अच्छा है. तो लेट मी टॉक अबाउट महेंद्रगिरी अगेन, जहाँ हम जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं. तो महेंद्रगिरी हिल एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट बिकॉज ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स और स्पेसिस दैट आर फाउंड हियर. काफ़ी सारा मात्रा में यहाँ पे मिलता है बिकॉज इट इज स्टिल अंडर डेवलप्ड एंड नॉट एक्सप्लोर्ड. तो यहाँ पे एक्सप्लोर्ड इतना हुआ नहीं है. इट इज़ ऑलमोस्ट होम टू यू नो 600 यू नो फ्लावरिंग प्लांट्स. द फॉनल डाइवर्सिटी ऑफ दिस रीजन इज ह्यूजली यू नो पॉपुलर. बिकॉज ऑफ दिस वैल्यूज ओनली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट ने इसको महेंद्रगिरी को बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित किया था 1986 में. उसके बाद देयर वाज एन एक्सपर्ट कमेटी यू नो जिसने इसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को बायोस्फीयर रिजर्व के हिसाब से उसको यू नो घोषित किया था इन 2014. सो एट यू नो नेशनल लेवल एज वेल दिस इज क्वाइट फेमस. एक और महेंद्रगिरी भी है जो कि तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट बट द वन आई एम यू नो वी आर गोइंग टू जिसके बारे में बात कर रहा हूँ इट इज़ इन पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट एंड इट इज़ इन उड़ीसा. सो जो महेंद्रगिरी का जो एरिया है इट इज़ स्प्रेड अक्रॉस बफर जोन को मिलाकर इट इज स्प्रेड अक्रॉस ऑलमोस्ट यू नो 1600 स्क्वायर किलोमीटर्स. तो काफ़ी वास्ट एरिया है. सो महेंद्रगिरी यू नो इट्स ब्यूटी इज रियली ब्रेथ टेकिंग बट यू हैव टू कीप इन माइंड दैट द रोड्स आर नॉट दैट गुड. इफ यू हैव ए सी वी और अ गुड ड्राइवर देन यू कैन ड्राइव इट और एल्स इट इज़ लिटिल ट्रिकी टू ड्राइव इन दिस एरिया बिकॉज ऑफ द रोड कंडीशन एंड द नैरो रोड्स बेसिकली व्हेन यू आर ड्राइविंग. बट द प्लेस दैट यू नो सी वंस यू रीच देयर इज़ रियली ब्यूटीफुल. और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, व्हेन यू आर रीचिंग देयर ट्राई टू रीच देयर एज अर्ली एज पॉसिबल बिफोर सनसेट्स बिकॉज यहाँ पे ना आपको स्ट्रीट लाइट मिलेंगी ना रोड्स इतनी अच्छी हैं और वहाँ पे आपको कहीं भी कर्व्स हैं यू वोंट बी एबल टू नो. और कर्व्स में इतने स्टीप कर्व्स हैं और खाई भी हो सकता है. तो इट इज़ रियली रिस्की बट एंड मोर ओवर वंस यू आर ड्राइविंग इन द डे टाइम यू विल बी एबल टू सी द रियल ब्यूटी ऑफ यू नो द वे यू नो व्हाइल गोइंग टुवर्ड्स महेंद्रगिरी. So best advised is travel during the morning time so that you can reach you know before sunset. So this is a great place for the weekend. अगर आप आस पास में रहते हैं जैसे भुवनेश्वर वगैरह से वहाँ से आपको 6-7 घंटा ही लगेगा. The roads are like I said not the greatest but that is the thrill of it. आपकी driving skills test हो गया okay. But you know having said that after reaching the top it is worth everything. You know all the pain all the bad roads that you have gone through you'll enjoy the you know place once you reach there. Log bhi zyada nahi rehte wahan pe ekdam you know serene beauty you will see you know town city se alag ekdam peaceful. Jaise ki main puranon ki baat kar raha tha and the connection of Ramayana and Mahabharat with this mountain. Legend says that you know Lord Parshurama you know who is a Chiranjeevi who is a long you know long live basically who is still alive and he stays here and performs tapasya here. So people say that he will appear in the end of Kali Yuga and he will be the guru of Vishnu Vishnu's avatar basically Kali ke avatar jo honge. So this is the saying legend that is there and अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आपको व्यू पॉइंट्स काफ़ी सारे मिल जाएंगे विच आर नॉट प्रॉपरली मेड और यू नो काइंड ऑफ डेवलप बट देयर यू नो यू कैन एक्सप्लोर देम एंड
apart from that there is nothing much to see apart from the natural beauty. And this is the speciality of it is ke itna sar it is raw, so you will have a very nice time if you love the nature, the beauty of mountains and valleys. And kyunki ye zyada explored nahi hai, you will have that rawness to it. So sunrise yahan ki kafi achhi hai, so that's what we are planning. Maybe tomorrow we will have a camping tonight, and maybe tomorrow morning we'll have the sunrise view. So abhi thodi der mein hum pahunch jayenge in another half an hour time. So it's afternoon time or almost we are there now, there about abhi thodi der mein hum pahunch jayenge. आप देख सकते हैं काफ़ी ग्रीनरी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही यू कैन सी वेरी लेस व्हीकल्स एंड मूवमेंट ऑफ पीपल. ये आप देख सकते हैं 5 किलोमीटर महेंद्रगिरी, तो हम जो मेन गेट है वहाँ पर पहुँच गए हैं. यू कैन सी ऑल दीज अबोर्ड्स विथ ऑल द इंफॉर्मेशन यहाँ पे, और ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन आपको उड़िया में ही लिखा, जो लोकल लैंग्वेज है उसमें ही मिलेगा. और यहाँ से जो मेन मंदिर है 5 किलोमीटर है, तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा ब्रेक लिए हैं. हम होगा तो हमारा कैंपिंग यहीं पे करेंगे, राइट. तो नज़ारा तो काफ़ी अच्छा है, रोड अच्छा नहीं था उतना, इट वाज ऑफ रोडिंग कम्प्लीट ऑफ रोडिंग. तो और हमारा तो वैसे भी कार में मतलब लोडेड, इट वाज फुली लोडेड, राइट, बट थैंक्स टू कारगिल, या करेक्ट. तो ओवरऑल जर्नी हमारा अच्छा था, लेकिन हाँ इट वाज लिटिल बिट ऑफ ऑफ रोडिंग, बट दैट्स ऑल राइट. सेक्शन स्टार्ट होता है ना, तो इट्स कंप्लीटली रोड इज नॉट गुड, बट व्यू अच्छा है. यहाँ पे पहुँच चुके हैं, ये देख सकते हैं. दोस्तों आज का वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं. आई विल हैव अनदर वीडियो फॉर यू विद ऑल द डिटेल्स ऑफ व्हाट वी डू नेक्स्ट डे. सो स्टे इन टच, स्टे कनेक्टेड, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, एंड वी विल बी कमिंग अप विद अनदर वीडियो सून.